अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों के। आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वेलकम बैक। कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है, एंड यू वोंट बिलीव कि दिस मास्क इज़ वन ऑफ द बेस्ट जो कि मैंने आज तक यूज़ किया है, एंड आई विल हाईली रिकमेंड कि आप लोग भी ट्राई करो। आपने ये निशो का रिव्यू इस हेयर मास्क के बारे में देख लिया होगा, तो उनके रिकमेंडेशन पे मैंने कहा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए और देखा जाए कि क्या ये इन चीज़ों पे उतरता है जो निशो खान जो हैं वो बता रही हैं कि अंदर से कुछ इस तरह दिखता है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, और काफ़ी बड़ा जार है ये। जब इसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मैंने चेक की तो उसमें मुझे मिला हाइलोनिक एसिड। आपको पता है कि हाइलोनिक एसिड जो है वो स्किन की हाइड्रेशन के लिए यूज़ होता है, इसी तरह ये बालों को भी हाइड्रेशन देता है। तो जैसे ही मैंने ये एक इंग्रेडिएंट देखा तो मैंने कहा मैं ज़रूर इसको मंगा रही हूँ। मैंने इसको बिफोर बाद भी इसको यूज़ करके देखा है, आफ्टर वॉश यानी बाल वॉश करने के बाद भी, आफ्टर शैम्पू भी इसको यूज़ करके देखा। मैंने इनको दोनों तरीक़ों से यूज़ किया, वो एक बार भी यूज़ नहीं किया, मैंने काफ़ी दफ़ा इसको यूज़ किया। इसके अलावा जस्ट मैंने इसको अपनी सिस्टर को भी दिया यूज़ करने के लिए, कि चेक करने के लिए शायद मैं भी मेरे बालों पे वर्क ना किया हो, किसी और के लिए वर्क कर जाए। मेरी सिस्टर ने जैसे ही इसको यूज़ किया तो उसने कहा ये तुमने क्यों मंगाया है, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है बालों पे। नॉर्मल भी कंडीशनर अपने बालों पे लगाएं और बाल जो हैं वो काफ़ी स्मूथ सिल्की हो जाते हैं, लेकिन ये इसका इतना बड़ा जार वो अब मेरे वॉशरूम में ऐसे ही ज़ाया होने के लिए पड़ा है। ये पैसे ज़ाया हो चुके हैं। निशो खान ने आखिर इतनी तारीफ़ की है इसकी, तो मे भी मेरे बालों पे वर्क ना किया हो, किसी और के गालों पे वर्क कर जाए। पर ये मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप फिर भी ट्राई करना चाहते हैं, अपने आपके पास पैसे थोड़े ज़्यादा हैं और आप इसको थोड़ा ज़ाया करना चाहते हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने ये वीडियोस मेरी अब तक नहीं देखी तो इन लिंक्स पे क्लिक करें एंड एंजॉय करें।